हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 17 to 20। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। Find the 20th term from the last term of the AP 3813 to 253। हमें इसमें 20th term find out करना है इस AP का, लेकिन हमें starting से नहीं करना, last से 20th term find out करना है। इस question को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने AP लिखी। अब हम इसको starting से अगर consider करते हैं, then first term A is 3, D is 8 minus 3, that is 5। लेकिन अगर इस एपी को लास्ट से कंसीडर किया जाए, देन 253 फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और यहां से देखिए, स्टार्टिंग से अगर इसमें 5-5 इंक्रीज हो रहा है, तो हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ आएंगे तो 5-5 डिक्रीज होगा, दैट मीन्स डी इज -5। तो इसे हमें लिखना होगा, इफ एपी इज कंसीडर्ड फ्रॉम लास्ट, इन दैट केस ए इज 253 एंड डी इज -5। नाउ 20th टर्म फ्रॉम द एंड वो क्या बन जाएगा, ए 20 इज ए प्लस 19d, सो ए 20 is a is 253, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट से कंसिडर किया है, सो a is 253 प्लस 19 एंड d is -5, सो 253 माइनस 95, सो 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज 158। इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हमें पता है a n is a प्लस n माइनस 1 into d, ये तो है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। लेकिन अगर हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करें फ्रॉम द एंड, इन दैट केस a जो है उसकी जगह लास्ट टर्म l हो जाएगा प्लस n माइनस 1, और d की जगह माइनस डी हो जाएगा। उस केस में हमें इसको लास्ट से कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली लास्ट टर्म 253, अगर मैं इसी की बात करूं इसी क्वेश्चंस की, तो ए 20 में लास्ट के लिए यहाँ पे 253 होगा प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह यहाँ पे हमने डी फाइंड आउट किया था, अगर हम स्टार्टिंग से कंसिडर करते हैं दैट मीन्स 5, तो यहाँ पे माइनस डी माइनस 5 हो जाएगा एंड एन इज 20। सो 253 माइनस 95, अगेन वी गेट 20th टर्म एज 158। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से करते हैं तो ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर इस एपी को कंसीडर कीजिए फ्रॉम लास्ट, ए चेंज हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और डी का साइन चेंज होगा, फिर हम उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। या फिर अगर हम इसमें डायरेक्ट एक नया फॉर्मूला ही कंसिडर करें, लास्ट टर्म लास्ट से अगर हम एनएस टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो ए की जगह रिप्लेस कर दीजिए एल, और डी की जगह रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी की जरूरत होगी, तो हम इस गिवन कंडीशंस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए एंड डी। गिवन इज फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का जो सम है दिस इज 24, सो ए 4 इज ए प्लस 3d एंड ए 8 इज ए प्लस 7d विच इज इक्वल टू 24, सो दिस इज 2a प्लस 10d
इज इक्वल टू 24. पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. दिस इज इक्वेशन 1. एंड अदर कंडीशन इज सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44. a6 इज a प्लस 5d एंड a10 इज a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 44. a प्लस a इज 2a एंड दिस इज 14d. इस इक्वेशन को भी हमें 2 से डिवाइड करना है, सो a प्लस 7d इज 22. दिस इज इक्वेशन 2. अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2. अगर इक्वेशन 1 हमें a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 है, तो इसको हम यू भी कह सकते हैं कि 6th टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22. लेकिन इस क्वेश्चन को इसने दूसरे फॉर्म में बनाया कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44. तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन बनाई. अब इन दोनों इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22. सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड इक्वेशंस को, सो ए इज कैंसल्ड आउट एंड माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10, सो डी इज 5. अब हम डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो ए की वैल्यू आएगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ए प्लस 5d इज 5 इक्वल्स टू 12, सो ए इज 12 माइनस 25, सो ए इज माइनस 13. देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस 13 है और उसमें 5 ऐड हो रहा है, सो वी राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर माइनस 13. अब इसमें आप 5 ऐड कीजिए, सो माइनस 8, फिर आप 5 ऐड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 19. सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000. सुब्बा राव ने 1995 में 5000 एनुअल सैलरी पे वर्क स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000. अब हमें ये बताना है कि किस साल में, किस ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7000 पहुंच जाएगी. इन दिस क्वेश्चन वी मेक एपी एज 5000 उसकी स्टार्टिंग में सैलरी है और 200 रुपीज एवरी ईयर उसका इंक्रीमेंट है, सो इसमें 200 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीज होंगे. हमें ये बताना है कि उसकी सैलरी 7000 किस ईयर में होगी. सो एपी इज 5000, 5200 टू 7000. हियर ए इज 5000, डी इज 200 एंड ए एन इज 7000. सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एन. वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू हम पुट करेंगे 7000 इक्वल्स टू ए इज 5000 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज 200. नाउ 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस 1, सो दिस इज 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू एन माइनस 1, सो दिस इज 10. सो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 10 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, सो एन इज 11. सो उसकी जो सैलरी है 7000 वो पहुंचेगी 11th ईयर में. क्वेश्चन नंबर 20. रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75. रामकली ने ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव किए और अपनी सेविंग को एवरी वीक वो 1.75 रुपीज इंक्रीज करती है. इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज 20.75, फाइंड एन. उसकी सेविंग इंक्रीज होते हुए 20.75 रुपीज बन जाती है. हमें फाइंड आउट करना है किस वीक में जाके उसकी सेविंग
₹20.75 होगी। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने एपी बनानी होगी, सो उसकी जो सेविंग है ₹5, देन 6.75, देन 8.50 से 20.75। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म ए इज 5, डी इज 1.75 एंड ए एन इज 20.75। नाउ वी हैव टू फाइंड एन। वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ए एन इज 20.75, ए इज 5, एन माइनस वन, डी इज 1.75। सो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1.75। सो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं हम, सो दिस इज 9, सो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 9 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, सो एन इक्वल्स टू 10। सो एन की वैल्यू 10 है, 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो ₹20.75 होगी। सो इन दिस वे वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने 5.2 कंप्लीट की है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के लिए पहले कंसेप्ट बताएंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको इसी में किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।